दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्री शनि प्रभाव के बारे में। 17 जून 2023 को न्यायाधीश न्याय के अधिपति कर्म भाव के स्वामी कर्म के फल प्रदान करने वाले ग्रह शनिदेव वक्रगत अवस्था में जाने वाले हैं। वर्तमान में इनका गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सबसे प्रिय और बलवान राशि में गोचर चल रहा है। और जब शनि वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत ही अधिक बलवान हो जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर आपको शुभ परिणाम दे रहा है, वो वक्री होता है, तो आपके लिए वो परिणाम निश्चित रूप से वृद्धि हो जाते हैं। और बुरे परिणाम दे रहा है तो उनमें बुरे परिणामों में कहीं ना कहीं बदलाव आते हैं और बुरे परिणाम और बुरे हो जाते हैं। लेकिन वक्री का बहुत ही अलग तात्पर्य भी निकलता है और वो भी मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊंगा कि वक्री होता क्या है। पहले आप ये जान लीजिए कि ये शनिदेव वक्री हो रहे हैं कब से कब तक। तो 17 जून 2023 को ये वक्री होंगे कुंभ राशि में, सतविषा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, धनिष्ठा में कुछ दिन रहेंगे, धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में। तो ये 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे वक्री होकर के। वक्री शनि बलवान होते हैं, ग्रह बलवान हो जाता है, एक तो ये सीधा सिद्धांत है। दूसरा, वक्री अवस्था ग्रहों की उल्टी चाल को माना जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि वक्री ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बल्कि वो एक तो शनि और ज्यादा धीमे चलते हैं, वो धीमा हो जाता है। वो और ज्यादा धीमा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी चीज का फैसला देना है या किसी भी चीज को वो देख रहे हैं या कहीं कोई फैसला दे चुके हैं, शनिदेव ने जो आपको पहले कष्ट दिए हैं, जो कष्ट देकर आए हैं, जो सजा आपको सुनाकर आए हैं कि ये भोगिए, जो आपके बुरे कर्मों का फल आपको दिया है, वो आप कष्ट पा रहे हैं। अपने बिजनेस में लॉस आपने किया, बहुत सारे गलत निर्णय लिए, बहुत ही बुद्धिहीनता अपनी दिखाई, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ग्रह कुछ नहीं करते हैं। ग्रह सिर्फ आपकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगर आपकी बुद्धि से गलत निर्णय होंगे तो आप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो जो आपके साथ में शनिदेव ने, न्यायाधीश ने पहले गलत किया, मतलब सही उन्होंने तो आपके साथ में सही किया, जिसके आप, क्योंकि आपने वो बुरे कर्म किए थे इसी वजह से उन्होंने दंड दिया आपको। जो आपके साथ में आपको लगता है गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है तो उस गलत से क्या आपके कर्मों में सुधार आया, ये देखने के लिए क्या जो कैदी जिसे हमने सजा सुनाई थी उसके चाल चलन में बदलाव आया, यही देखने के लिए, या पुराने समय में कोई हमसे गलत निर्णय तो नहीं हो गया है, कोई अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई है, तो उसको देखने के लिए वो जज, वो न्यायाधीश सिर्फ अपने दृष्टि पीछे डालते हैं। वो देखते हैं कि आखिर अपने सोचते हैं धीमे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बहुत तेजी से चल रहा है, वो भाग रहा है या वो अपनी जो गति है उसके अनुसार चल रहा है, तो वो उतना अच्छे से सोच नहीं पाता है। और जब शनि और ज़्यादा धीमे हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो वक्री अवस्था में वो अच्छे तरह से सोच पाते हैं कि आखिर हमने किसके साथ में क्या किया था। और इस तरीके से वो फिर से, अगर आप ये जान लीजिए कि खोई हुई चीज़ें एक तो वापस दिला देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि आपके साथ में जो उन्होंने आपको दंड दिया था वो आप भोग चुके हैं और अब आपको और दंड देने के लिए आपके इतने पाप भी नहीं है कि आपको और सजा दी जाए, तो वो फिर से आपको कहीं ना कहीं एक शुभ परिणाम देने लगते हैं और आपका जो छीना था आपसे वो आपको लौटाने लगते हैं। वो सोचते हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी सोचते हैं शनिदेव कि किस प्रकार के मैंने फैसले किए हैं पीछे, और उन लोगों में से कौन कौन से वह जातक हैं जो अभी सुधर चुके हैं, सही हो चुके हैं, और जिन्हें अब सजा देना सही नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं वक्री अवस्था होती है, जो हर साल शनि वक्री होते हैं। हम जानेंगे कि आखिर मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसा फल प्रदान करेंगे शनिदेव। सबसे पहले आपको बता दें यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार है। चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि, उसी के अनुसार राशिफल देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहली स्थिति में आपको बता दूं कि शनि न्याय के अधिपति हैं, न्यायाधीश हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी, आपके लाभ को दिखाते हैं, आपके कर्म को दिखाते हैं, आपके कर्मों के फल को देते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं, आपके कार्य में रुकावट बहुत लाते हैं। शनिदेव आपके कार्यों को धीमे बहुत चलाते हैं और सबसे ज़्यादा न्याय प्रक्रिया से संबंधित या कोई भी कार्य जिसमें आप बॉस नहीं हैं,
जिसमें आप बहुत ही निम्न स्तर के कार्य कर रहे हैं वहाँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं शनिदेव, उनके बहुत कारक बनते हैं। दास स्वामी बहुत ज़्यादा इनका संबंध भी शनि से देखा जाता है। जानते हैं कि आखिर शनिदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनि लाभ भाव में गोचर करके वक्री हो रहे हैं, ये आपको धन लाभ बहुत देंगे और जो आपने पुराना लाभ कमाया, मतलब बीते समय में आपको बहुत लाभ हुआ और वो लाभ आपका किसी भी तरीके से गलत तरीके से हुआ है तो वो बर्बाद भी कर देंगे, उस पैसे को बर्बाद भी करवा देंगे। शनिदेव आपको धन लाभ अधिक मात्रा में देंगे क्योंकि बलवान हो चुके हैं और भी ज्यादा बलवान है तो धन लाभ की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर ईमानदारी से धन कमा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपके धन की बहुत वृद्धि होने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, इस वजह से इस राशि वालों आपको थोड़ी बहुत मानसिक अशांति बढ़ सकती है क्योंकि आप चिंता बहुत करेंगे। चिंता मतलब आप बहुत समझदारी से कोई निर्णय लेना, समझदारी से विवेक से सोचना, तो जब गहन अध्ययन करके सोच विचार करके कोई निर्णय लेंगे तो चिंता तो आपको होगी और फ्यूचर की चिंता, इस तरीके की चिंताएं होंगी, इससे थोड़ा मानसिक तनाव तो बढ़ेगा लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, ये मानसिक तनाव आपके लिए बुरा नहीं है। आप अगर धैर्य से, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तो आप इसमें धैर्य से सोचेंगे तो आपको चिंता नहीं होगी बल्कि तनाव नहीं होगा बल्कि ये चिंता आपके लिए लाभदायक बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देगी। शनिदेव आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लव लाइफ को बहुत बेहतर बनाएंगे, लव लाइफ में प्रगाढ़ता लाएंगे, लव लाइफ की स्थिति बहुत बेहतर बना देंगे और ऐसे में कोर्ट मैरिज की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है, कोर्ट मैरिज इत्यादि करवा देते हैं शनिदेव। शिक्षा की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, शिक्षा में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का समय उत्तम रहेगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हैं उन लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव आपके पार्टनर को भी वापस, अगर एक्स पार्टनर को वापस चाहते हैं या आपने, आपको किसी ने धोखा दिया था, आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, तो फिर से आएगा, माफ़ी मांगेगा और उसे घुटने पर कहीं ना कहीं कर देंगे शनिदेव। और शनिदेव की दशम दृष्टि जो विशेष रूप से आपके लिए प्रभावित करेगी आपके अष्टम भाव को और ये निश्चित रूप से आपको अचानक से धन लाभ दिलाएगी। अगर तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित आप कार्य में फंसते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, अथवा आप खुद तंत्र मंत्र संबंधित कार्य करते हैं तो भी आपके मानसिक हालात को बिगाड़ सकता है ये शनि। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार से गलत अनैतिक कार्य ना करें। ये अचानक से जो पैसे वाली बात है, ये धन टेबल के नीचे वाला बहुत ज़्यादा देते हैं शनिदेव, और अगर ये सही तरीके से, ये फलीभूत भी करते हैं, ऐसा धन फलीभूत भी करते हैं लेकिन सही तरीके से, ऐसा ना किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो, उस पैसे से किसी के साथ बुरा ना हो रहा हो जो आप रिश्वत ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि को शनिदेव बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे, आपके अधिकारी भी आपको बहुत ज़्यादा सराहेंगे, प्रमोशन के बहुत योग बन जाएंगे और सट्टा लाटरी इत्यादि में से भी धन लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि से आपको मकान बनाना, वाहन खरीदना इत्यादि आपको, आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा और शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि की वजह से आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिलेगा, विदेश से संबंधित धन लाभ भी अधिक मात्रा में होगा और आपके करियर में उन्नति देखी जाएगी। खास करके प्राइवेट जॉब में आप प्रयासरत हैं, प्राइवेट जॉब में खास करके आईटी सेक्टर इत्यादि में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर में तो आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, कंपनी की तरफ से भी भेजे जा सकते हैं, वो स्थितियां कहीं ना कहीं बनेंगी। यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो मैरिज डिले करवा सकते हैं, अगर मैरिज इत्यादि होने वाली थी तो उसमें कोई विलंब अड़चन आ सकती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए शनिदेव का प्रभाव बहुत ज़्यादा खास है, आपकी मेहनत आपको बहुत करवाएंगे, मेहनत का फल भी दिलाएंगे। बीते समय में आपका अगर प्रमोशन अटका हुआ था, आपके कुछ महीने पहले प्रमोशन होने वाला था या ट्रांसफर होने वाला था, जो आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे, वो रुक गया था, तो वो हो जाएगा। शनि के वक्रगत प्रभाव में आपकी मेहनत का फल आपको बहुत मिलेगा और धन लाभ की स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा ये अष्टम भाव को भी बहुत प्रभावित करेंगे, तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट इत्यादि में
पैसा अगर आपका लगाया है आपने, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी आप तरीका अपना लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, आपको नुकसान ही देगा ये शनि। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी प्रकार की कोई रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी केस पर काम कर रहे हैं, वकील इत्यादि हैं, वहाँ पर भी आपको ये ज़्यादा लाभ नहीं देने देंगे, लेकिन नुकसान भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में वक्री होंगे। ये शनि आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएंगे और विशेष रूप से शनि आपकी मैरिज से संबंधित प्रॉब्लम को नष्ट कर देंगे। अगर मैरिड लाइफ में या मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो नष्ट हो जाएगी। लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ में विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपके शनि कार्य क्षेत्र में उन्नति भी करने वाले हैं, करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी उन्नति भी देखी जाएगी। आपको अगर किसी प्रकार का कोई भय, कोई किसी प्रकार का कोई डर या मानसिक तनाव है, वो भी आपका दूर हो सकता है। आपके शनिदेव आपकी कोई दुर्घटना इत्यादि की स्थिति भी बन रही थी या कहीं हॉस्पिटलाइज हैं, वहाँ से भी निकालेंगे, वहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य में लाभ देने वाले हैं। शिक्षा की स्थितियाँ भी बहुत बेहतर बनने वाली हैं और धन की स्थिति तो बहुत बेहतर होगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, देखा जाए तो शनिदेव का यह परिवर्तन, ये वक्री प्रभाव आपके लिए आपकी मैरिज डिले करवा सकता है, पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत सारे जो लॉस हुए हैं उनकी रिकवरी करवा सकता है। शनि का प्रभाव आपका प्रमोशन करा सकता है और शनि आपके प्रमोशन के लिए आपके अधिकारी या ट्रांसफर के लिए भी आपके अधिकारी को मजबूर, आपके अधिकारियों को, आपके बॉस को मजबूर भी कर सकते हैं। खास करके यहाँ पर उन लोगों को विशेष लाभ होगा जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं और निम्न स्तर की जॉब है उनकी। बहुत अच्छी स्थितियाँ, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए बढ़ने वाली हैं और उनके साथ में संबंध आपके बहुत, लव लाइफ में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ देखी जाएंगी। कन्फ्यूजन इत्यादि भी आपकी दूर होगी तो बहुत बेहतर स्थितियाँ देखी जा सकती हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप वकील हैं, जज हैं या दलाल हैं, दलाली का काम करते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। लोन इत्यादि कर्ज माफ़ी की स्थिति बन सकती है, लोन माफ़ हो जाए, कर्ज माफ़ हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। सरकारी कार्य में रुकावट, सरकारी कोई रुकावट आपके कार्य में आ रही थी तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त हो जाएगी, आपके शत्रु आपसे भयभीत हो जाएंगे, शत्रुहंता योग, शत्रु हताश निराश हो जाएंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र अगर कोई कर रहा है तो वो भी दूर होगा, षड्यंत्र दूर होंगे, षड्यंत्र कट जाएंगे। लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, थर्ड पार्टी की परेशानी कट जाएगी, आपकी लव मैरिज की स्थिति भी बन जाएगी। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो गया था और बीते कुछ ही महीनों में आपका अगर ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था और वो आप जानते हैं उसे बहुत अच्छे से, आपके पार्टनर गलत है, उन्हें अब दंड मिलेगा, उन्हें भी धोखा मिलेगा और वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि आपके समान इतना ज़्यादा आपको खुशी शायद किसी चीज़ से नहीं होगी जो इस चीज़ से आपको मिलने वाली है, कि वो व्यक्ति आपके बिल्कुल चरणों में नतमस्तक हो गया, उस तरीके से स्थिति बहुत ज़्यादा खास स्थिति है यहाँ पर। और विशेष रूप से आपको धन लाभ विदेश से यहाँ पर होने वाला है, तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खास हैं आपके लिए। और शनिदेव विशेष रूप से आपको, अगर किसी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें भी विशेष सफलता प्रदान करने वाले हैं। इंजीनियर हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आपका सफल हो सकता है और कई नए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, शनिदेव आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर करेंगे, लव लाइफ में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, लव लाइफ में आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, मैरिड लाइफ की स्थितियां भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। शनि के इस प्रभाव से आपके मैरिज की भी स्थिति बन रही है, मैरिज भी अचानक से हो सकती है आपकी। और शिक्षा की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। शनिदेव बलवान होकर के अगर आप कोई भी लॉ के फील्ड से काम करते हैं
या लॉ स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, मेडिकल लाइन में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा आपको। लेकिन हेल्थ में जोड़ों के दर्द, दंशों इत्यादि समस्या से परेशान भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा अपना। आपके इमोशंस फीलिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे अपने पार्टनर के लिए, वो भी स्थिति है। शनिदेव का विशेष प्रभाव आपके धन लाभ के लिए होगा, शिक्षा की स्थितियाँ बेहतर करने के लिए होगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करने के लिए होगा। मतलब आपको अपने पैतृक धन से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो सुलझ जाए और आपको पैतृक धन का भी लाभ, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव आपका मकान वाहन का सुख पूरा करवाएंगे। विशेष रूप से आपकी मेहनत का पैसा अगर कहीं फंसा हुआ था तो वो आपको मिल जाएगा। रुके हुए काम होंगे पूरे, अड़चने आ रही थी किसी काम में तो वो काम आपके जो टल रहे थे, जो काम आपके कहीं ना कहीं टाले जा रहे थे, अगर कोई कोर्ट कचहरी संबंधित काम इसमें या कोई भी किसी प्रकार की कोई आपके करियर में बाधा, तो वो नष्ट हो जाएगी। आपके लिए लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जड़ से पूरी तरह समाप्त हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत आराम मिले। विदेश से संबंधित लाभ हो, बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी ही दिखाई देती हैं। शनिदेव आपके करियर में बहुत उन्नति भी देखने को मिलेगी, आईटी सेक्टर इत्यादि क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। इंजीनियर इत्यादि, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विशेष लाभ कराने वाला है समय रहेगा, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करके आपके मेहनत का फल भी दिलाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, अगर गलत जगह ट्रांसफर हो गया तो फिर से वापसी हो सकती है। और विशेष रूप से आपकी किस्मत, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी। सबसे ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए, जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी या फैमिली से कोई विवाद चल रहा था तो वो आपका समाप्त होगा और आपको विजय प्राप्त होगी। धन लाभ की स्थितियाँ भी बराबर बनी रहेंगी, धन लाभ भी बहुत अधिक मात्रा में होगा और विदेश से संबंधित विशेष रूप से आपको लाभ होने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और अगर आप जज हैं, वकील हैं, वहां पर आपको बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। यहां स्थितियां उन लोगों के लिए जबरदस्त लाभान्वित कराने वाली हैं जो दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरिंग का काम करते हैं, उनको जबरदस्त धन लाभ होने वाला है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, शनि आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभ कराने वाले ग्रह बनेंगे। इस वक्रगत प्रभाव में बलवान ग्रह शनि आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपको क्रिएटिविटी से बहुत फायदा होगा। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ पर तो आपको लाभ होगा ही होगा, ब्रोकरिंग का काम करते हैं वहाँ पर लाभ होगा, न्याय से संबंधित कोई काम करते हैं, किसी की भलाई करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से उसका फायदा मिलेगा। राजनीतिक गहन राजनीति के फील्ड में तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है, राजनीति में उच्च सफलता मिलेगी और राजनीति में अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट समय आपके लिए रहेगा। शनि आपको धन लाभ भी कराएंगे और कोई पैतृक संपत्ति का कोई विवाद या पैतृक संपत्ति को किसी सरकार ने, सरकारी बाधा आ गई है, सरकार के द्वारा कहीं से कोई रुकावट आ रही है या सरकार का कोई भी हस्तक्षेप हो गया आपकी संपत्ति पर, तो वो बाधा दूर होगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में भी विशेष लाभ देखने को मिलेगा और शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ है वो भी आपकी भरपाई होगी। विशेष रूप से आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी जीत आपको होगी, जो व्यक्ति आपको धोखा देकर गया था वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपसे डिवोर्स लेना चाहते तो वो डिवोर्स नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी बन जाएंगी, तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित खर्चे हो जाएंगे, लेकिन केस रफ्तार पकड़ेगा और आपको एक सही फैसले पर, सही मोड़ पर पहुँचाएगा। विशेष रूप से आपकी यात्राएँ बहुत कराएगा और ये शनि आपके थोड़ी बहुत मानसिक अशांति देगा लेकिन धन लाभ और मान सम्मान बहुत देगा। चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी लेकिन चिंताएं इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि आपके करियर में वृद्धि, आपका कामकाज बढ़ जाएगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी।
शनि आपके करियर में बहुत वृद्धि करने वाले हैं, और विशेष रूप से आप अगर जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। ये वक्रगत अवस्था में विशेष रूप से आपको शनि आपकी मेहनत के परिणाम बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा आपकी जो मेहनत के फल रुके हुए हैं, मेहनत के परिणाम रुके हुए वो आपको मिलेंगे। अगर कोई रिजल्ट आना है, कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें आपको सफलता मिलने वाली, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपकी मैरिज डिले हो सकती है, आपके कार्य लेट हो सकते हैं थोड़े बहुत, या लेट हो रहे थे अभी तक, लेकिन अब जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सब कार्य संपन्न होंगे, और आप जो चाहेंगी वो आपका कार्य पूरा जरूर होगा, जैसे चाहेंगे वैसे कार्य पूरा होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा समय आपका लगभग 15 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में रहेगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों देखा जाए तो आपके लिए विदेश यात्राएं बहुत होने वाली हैं, विदेश से संबंधित रुके हुए कार्य, बहुत नुकसान में जो कार्य चल रहे थे उनमें भी आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिलने लगेगा, कई नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और उच्च स्तरीय आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब में सफलता मिल जाएगी, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और शत्रु मुकदमा इत्यादि हार जाएं, आपको विजय प्राप्त हो। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य ही हैं और कोर्ट कचहरी में ही आप दलाली का कार्य करते हैं, या सरकारी कार्यों में दलाली का काम करते हैं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन सरकारी कार्यों में दलाली का काम करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दलाल हों, चाहे किसी प्रकार से कोई समझौता कराने वाले दलाल हों, और वकीलों से भी मतलब वकीलों से आपको लाभ होगा, वकीलों को भी लाभ होगा, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए खास बन रही हैं। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। आपके सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्थितियाँ हैं वो परिवार की अच्छी स्थितियाँ हो रही हैं, परिवार में अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो अच्छी स्थितियाँ देखी जाएंगी। यह था दोस्तों शनि का वक्रगत प्रभाव जो आपको बहुत लाभ देने वाला है। अब जानते हैं उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय के लिए सबसे ज़्यादा कोई बहुत पूजा पाठ में जरूरी नहीं है, शनिदेव के लिए पूजा कर सकते हैं या शनिदेव के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक जो आपको सबको करना चाहिए और वो है असहाय लोगों की मदद। अगर कोई पीड़ित है, परेशान है, उसकी आप कुछ भी मदद करते हैं, मतलब उसे हेल्प चाहिए आपकी, आपको कोई स्किल आती है, कोई काम आता है और उसमें उस कोई व्यक्ति आपकी हेल्प मांगता है, तो उसे मना मत कीजिए, उसका हेल्प कर दीजिए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, इससे शनिदेव आपके प्रसन्न होंगे। और एक जो शुरू में मैंने बात कही कि शनिदेव देखते हैं कि पीछे आप क्या कर रहे थे, आपने पीछे किया क्या है और आप क्या बदले हैं, क्या बदलाव आया है आपके अंदर, जो आपको कष्ट मिल रहे थे मेरे द्वारा, जो सजा सुनाई गई थी, उस सजा से आपके अंदर कोई सुधार आया है। अगर वाकई में ये चीज़ आप दिखा दें उन्हें कि हाँ आपके अंदर सुधार आया है, आपके अंदर वो चीज़ महसूस हुई है कि वो सुधार आपका खुद दिखता है लोगों को, और आपके अंदर अच्छाई बनी है, बुराइयाँ आपने छोड़ी हैं, तो बहुत लाभ मिलेगा और जो खोया था वो आपको मिलेगा। अगर आपने लव लाइफ में भी अपने पार्टनर को इसलिए खो दिया था क्योंकि आप बुरे बन गए थे, तो अब आप अच्छे बन जाइए, उस चीज़ का एहसास कर लीजिए, आपके पार्टनर भी आपको वापस शनिदेव दे देंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों शनि के वक्रगत प्रभाव की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।